हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं गोल कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए, मैंने कुर्ती ऑलरेडी कट करके रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कॉलर से रिलेटेड। तो सबसे पहला फंडा हमारा ये होता है कि जो हमारा बैक वाला पैनल है वो हम एक इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं दोस्तों, तो कॉलर की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको एक इंच एक्स्ट्रा कट करा हुआ है। तो अब इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम, ये देखिए मैं आपको मेज़र करके भी दिखा रही हूँ यहाँ पर कि एक इंच ही हमने इसको रखना है। तो इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे, तो आपने 3 इंच पे इसको अच्छे से सेट कर लें पहले, तो फिर उसके बाद यहाँ पर मार्किंग करें, ऐसा ना हो कि कोई पैनल जो है आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही पैनल पे 3 इंच पे निशान लगा दिया है, एक साथ इसको लगाया है, ध्यान दें दोस्तों। और देखिए इसकी जो मैं गहराई ले रही हूँ वो भी मैं 3 इंच ही रख रही हूँ, तो सर्दियों के हिसाब से मैं इस फैब्रिक को बना रही हूँ डिज़ाइन को, तो ये थोड़ा मोटा फैब्रिक भी है और हम इसको ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 इंच ही इसकी गहराई ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, हमने यहाँ पर गोल बना दिया है। और जो हम ओपन रखेंगे वो हम यहाँ पर 4 इंच तक ओपन रखेंगे, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी वी कट नहीं दे रही हूँ, बस एक स्लिट दे रही हूँ सीधी सीधी, और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कट नहीं दूंगी। ठीक है, तो अब ये जो बैक वाला पैनल है यहाँ पर भी आपने गोल शेप दे देनी है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब गोल शेप के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम ये गोल वाला जो हमारा बैक वाला पैनल है इसको हमने कट करके सेट कर लिया है इस तरीके से। अब देखिए फ्रंट वाला जो हम कटिंग करेंगे उसके लिए जो बैक वाला पैनल है वो आपने अलग हटा देना है, ये देखिए ऐसे इसको, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये दोनों पैनल एक साथ ही कट जाएं दोबारा से। तो ये देखिए इसको हमने अब अलग हटा दिया है, तो अब हम ऊपर वाला जो है फ्रंट वाला ये भी कट कर लेते हैं, मार्किंग के ऊपर ही कट करें दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, तो अब ये जो स्लिट है हमारी गला, ये खोल कर रख लें पैनल को फिर कट करें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 इंच तक इस तरीके से निशान लगा दिया है ऐसे करके, और इसके ऊपर हम एक पट्टी जोड़ेंगे जो कि हमारा सलवार का फैब्रिक भी है। इस तरीके से हमने ये 4 इंच का जो निशान है वो डार्क कर लिया है, और ये हवाला फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। फिर आपने इसको टैप कर देना है तो मार्किंग जो है इसके ऊपर आ जाएगी। तो अब देखिए इस तरीके से ये हमारी मार्किंग इसके ऊपर आ चुकी है, तो अब इसको इस तरीके से सीधा करके रख लें, निशान से निशान मिलाते हुए आपने इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फैब्रिक है वो हम कुर्ती के उल्टी साइड पर रख रहे हैं। ठीक है, दोनों निशानों को मिलाते हुए आपने, और निशान के दोनों साइड पर आपने क्लिक करना है, सिलाई करनी है, और ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड पे करना है, उसके सिलाई निशान के ऊपर सिलाई नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेस बन जाएगा तो हम उसको वहाँ से स्लिट बनाएंगे। ये देखिए बीच में जो स्पेस बना है यहाँ पर अब हम कटिंग कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारी स्लिट बन चुकी है, अब इसको आपने सीधी साइड पे पलट देना है फैब्रिक को इस तरीके से। तो ये देखिए सबसे पहले हम एक टॉप स्टिच देंगे यहाँ पर, स्लिट को अच्छे से सेट कर लें वी पॉइंट पर, ये देखिए यहाँ पर। तो ये हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके नीचे हम एक लेस भी लगाएंगे दोस्तों, गले को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करते जाएं और लेस को चारों तरफ घुमाते जाएं, तो ये जो हमारा गला है बहुत ही खूबसूरत सा बन के आएगा दोस्तों। तो ये देखिए घुमा घुमा कर हमने बराबर इसी तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा गला रेडी हो चुका है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और लेस है वो आपने कट कर देने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज कॉलर बनाएंगे।
ठीक है। तो ये देखिए, इसका मैं बैक साइड भी आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही सफाई के साथ बन गया है, क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइन फ्रंट पे आ चुका है, बैक में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर भी प्लेन नज़र आएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये भी प्लेन आ गया है। तो चलिए अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखिए शोल्डर हमने ज्वाइन कर लेने हैं इसके। इसके बाद हम कॉलर की मार्किंग बताएंगे। तो शोल्डर जब भी ज्वाइन करें, इनको डबल ज़रूर कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी सिलाई होती है कि हम इसको बार बार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसकी जो है कॉलर की हम मेज़रमेंट ले लेते हैं, हमारा ये जो शोल्डर ज्वाइन होने के बाद कितना लंबाई में आ रहा है। तो ये देखिए, जो हमारे वी प्लेकेट हमने बनाया है, इस तरीके से इसको ज्वाइन करना है और बैक पैनल तक इसको सेट कर लेना है अच्छे से, ठीक है, ज्वाइन से ज्वाइन मिलाते हुए इस तरीके से। और यहाँ पर आपने एक या तो कट मार्क लगा लें, या फिर आप चौक से इस तरीके से निशान लगा दें, ठीक है। तो अब मैं आज आपको दो तरीके से इसको मेज़र करना बताऊँगी। पहले, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से डबल कर लेना है, और ये जो हमारे पैनल जहाँ से हमने स्टार्ट करा है, ये देखिए ऐसे, यहाँ से आपने इसको मिलाते हुए मेज़र करना है, कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको, देखिए 9 इंच आ रहा है हमारा। तो सेम इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरे तरीके से मेज़र करवाती हूँ, ये देखिए सिंगल तरीके से ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंगल फैब्रिक ले रही हूँ, यहाँ पर डबल नहीं ले रही हूँ, ये देखिए। और आपको इस इंच टेप को इतना नीचे रखना है जितना आपने सिलाई मार्जिन रखना है दोस्तों, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमारा 9 पे निशान आ रहा है, सेंटर वाला जो हमने लगाया था, और ये देखिए इसी तरीके से आपने मेज़र कर लेना है धीरे धीरे, फैब्रिक को नहीं खींचें दोस्तों। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा 18 पे हमारी एज आ रही है दोस्तों। तो आप दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लगा करके अपना फैब्रिक तैयार कर लिया है। तो अब मैं आज आपको जो बताऊँगी पेपर पेस्टिंग पे बताऊँगी, क्योंकि हमारा फैब्रिक पहले से ही काफ़ी मोटा है, तो मैं यहाँ पे कोई भी हार्ड कवर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बुकरम वगैरह, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारा बैक साइड होती है, वो हमारी 3 इंच हमने रखा हुआ था, तो हमने 3 इंच पर इसी तरीके से निशान लगा देना है ऐसे करके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि हमारी जो बैक साइड होती है वो स्ट्रेट हम रखते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई भी निशान नहीं लगाना है, सिर्फ सीधा 3 इंच रखना है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पैनल होता है वो हमारा गोल होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। तो टोटल पहले हम 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं दोस्तों नॉर्मली, और 3 इंच हम यहाँ पर भी सेट करेंगे, अपनी गोलाई के लिए भी एक निशान सेट करेंगे दोस्तों। वैसे कोई इसका कोई परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है, अपने गले के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, बैक वाला पैनल तो हमारा सीधा रहेगा, और यहाँ से जहाँ आपने 3 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से आप इसको गोलाई देंगे ऊपर की तरफ को, जहाँ पर आपने ये निशान लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर गोलाई जो है कॉर्नर तक आपने देनी है, बैक वाला आपने ये सीधा रखना है, ये देखिए। यहाँ पर आपने उतना मार्जिन रख लेना है जितना आपने सिलाई के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए इसको गोल बना देते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारी गोल मार्किंग भी हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 इंच रख रही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से ऑल ओवर 1 इंच पर निशान लगा देना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ये देखिए, और इसी के ऊपर आपने सिलाई करनी है दोस्तों। तो अब ये जो हमारा बेसिकली नीचे से जॉइन होता है, वो हमारा पहले वाला जो राउंड बनाया था हमने वो होता है, ठीक है। तो अब हम इसको जॉइन करेंगे, जो इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों कि ऊपर की तरफ से आप यहाँ पर राउंड भी कर सकते हो इसका कॉर्नर थोड़ा सा, ठीक है। और सबसे पहले इसको मेज़र भी कर लेते हैं कि ये पूरा हो रहा है कि नहीं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे मैं रख रही हूँ इस तरीके से, और ये देखिए ये इस तरीके से हमारा एग्जैक्ट 9 आ रहा है दोस्तों हमारी मार्किंग, इसका मतलब हमारी मार्किंग बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसको कट कर लेना है,
ठीक है। कटिंग से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर लेना है कॉर्नर को। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे राउंड रखना है या नहीं रखना है, लेकिन यह बिल्कुल मामूली सा मैं यहाँ पे राउंड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हम गोल कॉलर बना रहे हैं ना दोस्तों, तो फिर राउंड करने से थोड़ी सी सफाई आ जाती है। तो अब देखिए, हमने इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए है कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए कटिंग हो चुकी है हमारी। तो अब हमने जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था दोस्तों, इसको ऐसे सेट कर लेना है और फोल्ड कर देना है इसको इस तरीके से, ठीक है। ये नीचे वाली तरफ होती है बेसिकली, तो हमने इसको सबसे पहले सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऑल ओवर हमने इसको मोड़ लेना है, उसके बाद हम इसको दूसरे फैब्रिक पे सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने एक तरफ से मोड़ लिया है, तो अब दूसरी साइड के फैब्रिक के लिए ये देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक रखा हुआ है एक्स्ट्रा वाला, और उसके ऊपर हमने अपने कॉलर को इस तरीके से सेट कर लेना है दोस्तों। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया है दोस्तों। तो अब ये जो हमने मार्किंग करी है ना ब्लू कलर की, तो इसी के ऊपर आपने सिलाई कर देनी है और अपना जो है कॉलर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको डबल कर देना है जब भी आप स्टार्ट करें, ठीक है। और जो हमने गोल मार्किंग करी थी उसी तरीके से ये लाइन के ऊपर ही आपने स्टिचिंग करनी है मार्किंग के ऊपर। ये देखिए, मार्किंग हो चुकी है, सिलाई हो चुकी है हमारी। तो अब हम ये जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर देना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल क्वार्टर इंच से भी थोड़ा सा कम रखें इसको। ये देखिए, अब जो है यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल उतना ही रखना है जितना आपने ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, आधा इंच या क्वार्टर इंच उतना ही आप रखें, और उतना ही फैब्रिक आपको सिलाई में लेना है। अगर कम ज़्यादा करेंगे तो कॉलर छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कॉलर बनाते समय। ये देखिए, तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है हमारी। तो अब हमने क्या करना है, जो इसकी गोलाई है यहाँ पे छोटे छोटे कट मार्क्स भी लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर आपने हम कॉलर ज्वाइन करते हैं, तो ये जो हमने यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर इंच का निशान लगा दिया है दोनों पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, उल्टी साइड पे मैं इसको करके बता रही हूँ आज का जो डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरीके से आज का कॉलर मैं उल्टी साइड पे सेट करूँगी सबसे पहले, बाद में इसको हम सीधी साइड पे पलटेंगे। तो ये देखिए हमने जो दोनों जो निशान हैं वो हमने अच्छे से मिला लेने हैं, यहीं से आपकी स्टार्टिंग होनी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सफाई से आप इसको सेट करें। तो अब आपने ओवरऑल इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ना ही फैब्रिक आपने खींचना है ना ही आपने कॉलर खींचना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को बराबर बराबर सेट करते हुए आपने इसको सिलाई करनी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए हम ऊपर की तरफ से भी इसको फोल्ड करेंगे, नीचे वाली सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले सिलाई करी थी वो वाली जो स्टिच है वो आपकी इस कॉलर के नीचे कवर हो जानी चाहिए, नहीं तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा अगर नीचे से सिलाई नज़र आएगी तो, ठीक है। तो ये देखिए हमने पूरा इसको कवर करते हुए इस तरीके से कॉलर सेट कर लेना है और इस पर सिलाई करते जाना है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो जोड़ है हमारा वो भी कवर हो जाता है, और अंदर की तरफ से जो, क्योंकि हम ये जो सिलाई लगा रहे हैं ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं टॉप की तरफ से, तो हमें अच्छे से पता भी रहता है कि कहीं पे अगर कोई गलती हो रही है तो वो हमें नज़र भी आ जाती है, इसलिए हम इस तरीके से इसको सिलाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, अब हमने इसको डबल कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए पूरी सिलाई हो जाने के बाद एक टॉप स्टिच जो हमें कॉलर के एक साइड हमने कर दिया है, तो तीन साइड और बची हुई हैं, उन साइडों पे भी आपने कॉलर को है
टॉप स्टिच देना है जिससे कि ये जो सेट हो जाए अच्छे से, ये देखिए। ठीक है, इसके करने से क्या होता है ना कि फिनिशिंग आ जाती है बहुत अच्छी, जो कॉलर है एकदम कॉलर जैसा लगने लगता है, स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक, कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं पूरा कुर्ती आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरी कुर्ती रेडी कर ली है और हमारा कॉलर बड़ी ही खूबसूरती के साथ बन के आया है। आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।